इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्मार्ट आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट वीडियोस में फाइल बनाई थी उसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये जो शेप्स बनाई थी लास्ट वीडियो में उन शेप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करें शेप को और डिलीट की प्रेस कर दें कीबोर्ड से। इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट की प्रेस कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट टैब पर आऊँगा, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूँगा। तो आपको स्मार्ट आर्ट में देखें डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाती हैं। अगर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट व्यू में मिल जाएंगी। तो अगर आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस के रिलेटेड मिल जाएंगे, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड अदर्स। तो ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको जोन से ज़रूरत हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जोन से आपको बेहतर लगे। ओके, तो मैं अभी लिस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आकर इस आर्ट को मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो ये आर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ से आकर आप चेंज कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो सा आपको बेहतर लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ये सिलेक्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बैक एंड डेवलपर। ओके, यहाँ पर आकर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप नेम लिख सकते हैं तो वो नेम यहाँ पर अपीयर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवैस। एंटर प्रेस करें तो न्यू भी आ जाएगी। ओके, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करें आकर और यहाँ पर बैकएंड डेवलपर का जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमज़ा आसिफ, और यहाँ पर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हमाद एंड उस्मान। ओके, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो बाहर आप कहीं पर आकर क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है स्मार्ट आर्ट। जब भी आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डाटा एडिट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो आप डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।